संरचना। कौन से व्यंजन कहाँ से बोले जाते हैं? वही है चार स्थान। तो मैं बताया था कि कहाँ से सबसे पहला वाला कर्तव्य को क्यों पहले रखा गया, क्योंकि पहला कंठ, उच्चारण स्थान से पहला कंठ पड़ता था, तो आधे व्यंजन का उच्चारण स्थान लिखना शुरू कर दिया। ये जो ट्रिक से दे दिया आपको, इसमें ह को ऐड कर दीजिए, ठीक है, जोड़ना है। च पिया और यहाँ पिया और से ये ऐड करना है। तो इसमें द और श को ऐड करना है, इस साइड वाले ऐड वाले। तो द धा ना हो जाएंगे ला और श, ये ऐड वाले। ठीक जाता है प ब ध म, ठीक है। ये जो मैं यहाँ ट्रिक दे देता हूँ, इसे सारा आंसर निकल आएगा, ठीक है। कन का पोस्ट कुछ करना नहीं है, बस पहली लाइन दूसरी लाइन से 3 4 5। ये कौन किससे कहाँ से बोला जाएगा उसके कागज आपको रखना है। पहले वाले में इसको मुझे एक नंबर में का वाला रखना है, ये कंठ से बोला जाएगा, ठीक। ये यहाँ पे का मैंने लिखा था, ये ता, ये कहाँ से बोले जाएंगे? तालु से। दूसरी लाइन जो होती है वो तालु से। फिर तीसरी लाइन है वो मुँह मूर्धा या मूर्धा में से बोला जाता है, ठीक। मूर्धा मूर्धा में कहाँ होता है मैं बताया हूँ, जहाँ दाँत लगे होते हैं, ठीक है जी, वो वहाँ से स्पष्टता कहलाती है। अगला ये चौथे नंबर पे है द, मतलब दंत ध्वनियाँ कौन कौन सी हैं? त थ द ध न ल श। फिर ये लास्ट में बचा गया पोस्ट, जो पांचवी लाइन थी वो कहाँ से बोली जाती है? पोस्ट से। ये नोट कर लीजिए और ट्रिक भी नोट कर लीजिएगा, ये काम की। और ये जो एडिंग की है लाइन के साथ सब कर लीजिएगा। ये कहाँ से बोले जाते हैं? नासिका, नासिका से बोले जाते हैं। अन्य आड़ा नाम मुझे आता है यहाँ से। या और हुआ को क्या कहा जाता है? या और हुआ को क्या कहा जाता है? ये अर्धस्वर। नहीं नहीं, सूर्य और हुआ होती है, वो अंतस्थ होती है, ये अर्धस्वर। आते हैं ल, ये क्या है? पार्श्विक व्यंजन। पार्श्विक क्या होता है? जब आपका पिछला, जैसे आप ल जब बोलते हैं, पार्श्व भाग से आवाज बाहर निकलती, वो होता है क्या? पार्श्विक व्यंजन, ठीक। ऐसे होता है र, इसलिए क्या बोलते हैं? लुंधी। इसको बोलते समय क्या होती है? जीवा जो होती है वो आगे जाके र जो बोलते हैं, आगे समझती है र। लुंधी कंपित, कंपन में जाए, कंपन में जाए। र को बोलते समय जीवा क्या होती है? थोड़ा सा कंपन करती, ठीक है, तो वो होता है कंपन में जाए। एक होता है व और फ, एक प्रकार के व्यंजन ये होते हैं, बोलते हैं दंतौष्ट व्यंजन। दांत और ओष्ठ दोनों को मिला के बोले जाते हैं दंतौष्ट व्यंजन। सर व और का होता है क्या? व और का होता है? व और का, व का सिर्फ होता है दंतौष्ट का, इधर नहीं सर, बस व होता है। अभी होता है, अब बोलिए व फ। ओष्ठ की स्थिति देखिए, दांत की स्थिति को देखिए, दांत और ओष्ठ को मिला के बोला जाता है। बोलेंगे जब व सेम स्थिति होती है, ओष्ठ के दांत लगते हुए ऊपर आता है, इसी से दंतौष्ठ व्यंजन कहा जाता है। किताबों में लिखा है, मिस है, ठीक है, देख लीजिएगा। सर किस बुक में दिया? कौन सी बुक पढ़ी है? अंतरबाहरी पाकिस्तान दो मार्केट में और पब्लिश बुक है, उसको देखिए दिया है। और घटना चक्र वगैरह देखेंगे तो वहाँ देखने पड़ेगी। रेसिड्यू चार्ज सामने किया वह और थोड़ा जो बोलते दो और स्पर्श करके वो स्टार्टिंग उनके पास आप लोग स्वयं से अपने ऊपर लेके देखा करें, सारी किताबों पर विश्वास ना करिए। वो सुन बोलिए लेकिन सर स्पेशलिस्ट तो वही किताबें होती है ना, कोई भी कुछ जैसे अगर जो उसमें दिया है वही तो आयोग मानता है। ये कल प्रश्न आया था कि बुआ का स्त्रीलिंग क्या होता है, किताब में तो फूफा लिखा हुआ होता है। हाँ वो वाली तो एप्लीकेशन की बुक में लिखा तो वो लड़का लाख मुझे लिखा, ऐसी चीज़ें दी गई बुक में क्या करेंगे, कितनी पार्टी मानेंगे। लेकिन आप स्वयं से देखिए, जब आप होते हैं वो और हा दोनों स्थिति में देखिए ओस्ट जो होता है दांत से टच करते हुए ऊपर जाता है, स्वयं से स्थिति अपने ऊपर लेंगे तो ये ज़्यादा उच्चारण स्थान क्लियर होगा। रट रट के हम आप जरूर पढ़ते हैं वो भी सही है, लेकिन कम से कम अपने ऊपर जानते रहिए कौन कहाँ से निकल रहा है, बढ़िया कहाँ से निकलती है देखिएगा बुक और आप देखिएगा उसमें करना सको उसका दिया। और क्या बचा एक ह, ये पूछा गया था इस बार रिपीटेड वाले सीरीज में, ये काका ले धनी है इतना लिख दीजिए लोग उच्चारण करते हैं। कुछ किताबों में आप पढ़े होंगे तो अल्प्राण में दे दिया सभी स्वर अल्प्राण अल्प्राण होते हैं, पढ़े हैं आप होते हैं। अगर सब होते अरी की बात सही है कि इसे बोलते समय कम वायु खर्च, लेकिन जब आ बड़ी बड़ाओं का प्रयोग करते हैं तब कहाँ जाता है, कुछ किताबों में मिस होती है। पढ़े होंगे आपको आइडियाज़ होगा, आप किताबों पढ़े अध्ययन करें खुद पता चलता रहेगा। एक किताब कोई एकदम परफेक्ट मत मानिए, उन किताबों का अध्ययन करके देखिएगा। और हाँ हमने पीएन पांडे की जी जी इसीलिए मैं बता मैं पीएन पांडे की बात कर ले रहा हूँ, समझ लीजिएगा। पीएन पांडे इतने जल्दी अपने आप को 28 पेज से नहीं करता। एक चीज़ आप उसमें पढ़ेंगे तभी स्वर को वो 3 पेज दिखाया होगा, प्लूत भी देता होगा दिया ना, वो संशोधन नहीं किया कैसे आप मान लीजिए तो वो होता थर्ड बात ये भी है ना। संशोधित होते हुए बुक जो आ रहे हैं उसको भी पढ़ते रहिए, ऐसा नहीं कि आप पुराना ग्रामर पढ़ लें उसी आधार पर आगे बढ़ें। प्रश्न के स्तर बदल रहे हैं, बदलते समय कुछ भी बदलेगा, आप देखते जाइए लगातार पुराने किताबों के साथ साथ नया भी देखिए क्या क्या जोड़ रहा है। जैसे उसमें अनंगित अंग्रेजी आड़ा नम जो मैं कल कुछ नहीं का बात कर रहा था, जब पंडित ने दिखा तो आपको दिखाया उसमें पंडित को छोड़ने के बाद बहुत सी ध्वनियों को बदल के अनुसार ले लिया गया। पुनर्जन जब लिखा जाएगा वैसे लिखा जाएगा, और इसमें जब क्लिक करेगा तो अनुसार को लेगा, पता चला आप ये को भी प्रयोग कर लिए तो बाहर हो जाएंगे। ये भी बात ना तो वर्ड नहीं पार हो सकता, कुछ भी हो सकता, देख लीजिएगा हो गया। आगे क्या है वो कंपन, ये लुंठी थे कंपी थे कंपन में जाते हैं ऊपर लिख लिए। हाँ चलिए बता दें आप लोग को स्वास्थ्य के हिसाब से इसे कैटेगराइज किया जाता है, कैसे बांटा जाता है। आइए देखते हैं या प्राण है तो क्या आधार पर लीजिए, प्राण किसका पर्याय है, प्राण किसका पर्याय है बोलिए किसका है आपके अंदर, प्राण क्या है जान है प्राण मतलब वायु भाई, वायु के अनुसार मतलब ऑक्सीजन लेते तभी तो हम आप जीवित हैं, यही तो प्राण है। बाकी अंदर कोई ऐसी मशीन नहीं जिसको हम आप देख पाए कि क्या निकल के जाता, जो हम आप चले जाते हैं पता नहीं चलता। कभी कोई देखा किसी व्यक्ति को मरते समय क्या चीज निकल के अदृश्य होता है, वो यही होती है, यही आप खींचना बंद कर देते तो व्यक्ति चला जाता है ना। चलिए आइए, प्राणत्व के आधार पर क्या क्या होते हैं। एक होता है अल्पप्राण, दूसरा होता है महाप्राण। अब किसको कहेंगे अल्पप्राण, किसे कहेंगे महाप्राण, बताइए। दूसरा और चौथा महाप्राण ये क्या है? जब आपसे डिफिनेशन पूछा जाए तो डिफिनेशन बताइए आप। अल्पप्राण वह होते हैं जिसको बोलने में कम हवा निकलती है। अच्छा, और महाप्राण में क्या होता है? महाप्राण जिसको बोलने में ज्यादा समय लगे, वही बात अल्पप्राण जिसे बोलते समय कम वायु खर्च करनी पड़े, है ना, वो होते हैं अल्पप्राण। इसको बोलते समय उससे ज्यादा दुगुना लगभग जो खर्चा करें तो वहाँ पे क्या होता है महाप्राण। अब इसमें क्या होता है, जो आप फार्मूला रटे उसके अकॉर्डिंग दे देते हैं। प्रत्येक वर्ग का पहला और तीसरा और पांचवा वर्ड क्या होता है? अल्पप्राण होता है। लिख लीजिए, ये हो जाएंगे क च ट त प, ये हो जाएंगे ग ज ड ड ब, ठीक है, ये हो जाएंगे अंग ञ अ न म, ठीक है। अब आते हैं महाप्राण के बारे में, उसमें देखते क्या होता है दूसरा और चौथा। यहाँ क्या हो जाएगा के बाद का पगला फ, चौथे में आएंगे हो जाएगा घ ज ड क थ द ध प फ ब भ, ठीक है। इसके बाद क्या कहता है, इधर क्या होती है अ से अल्पप्राण, अ से अंतस्थ व्यंजन, है ना, यानी जो य र ल और वह होते हैं वो क्या होते हैं होते हैं, ये क्या होते हैं अल्पप्राण होते हैं। इनको बोलते समय कम दुनिया निकालनी पड़ती है, ठीक है। आप किसी को बोल के देख सकते हैं, वो या तो आप ऐसे हो उसके आकार को तो देख लें, यहाँ पे उंगली रखें और बोले करो और खा, देखिए दोनों ध्वनि मंत्र दिखाई पड़ेगा। जो अल्पप्राण होगा उसमें कम वायु निकलेगी, जो महाप्राण होगा उसमें ज़्यादा निकलती है। ये तो आप इस साइड लेके क्या आते हैं, इस साइड आते हैं तीनों स्व, इसे क्या कहते हैं काला प्रकार। आप 1 3 5 4 से पढ़ सकते हैं, मामला इसमें आएगा। इसमें क्या करेंगे अ से अल्पप्राण, अ से अंतस्थ व्यंजन, ये जो होते हैं गुप्ता होते हैं अल्पप्राण होते हैं, म से महाप्राण। और वैसे भी आप श श बोले तो उसमें खुद ध्वनि ज़्यादा निकलती है ना, एक हो गया। तीसरी एक जो ट्रिक मैं बता रहा हूँ उसको देखिएगा आप, इनको देखिए पहले, इनकी अंग्रेजी में लिख देता हूँ CTP, है ना। ये हो जाएंगे B, ये हो जाएंगे D, ये भी D, और ये हो जाएंगे G, ये G। ये अनुमान को छोड़ देता हूँ, यहाँ रोड लेंगे, यहाँ पे है, ठीक। इस बार देखते हैं KH CH PH PH PH, समझिएगा DH 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 DH, और ये हो जाएगी SH, एक अपवाद इस साइड है और एक अपवाद इस साइड है, ठीक है। अन्यथा जिसके साथ ये चलेगा वो महाप्राण होता है। सीधे जब एग्जाम में आएगा तो आप ऐसे मत ढूंढिएगा 1 3 5 8 9, ये करेंगे तो कभी कभी रुक जाएगा मामला, और इधर से पूछेगा सखा सह या तो पूछता यर लव, ठीक है। सिर्फ इस सा को छोड़ने के बाद ये थोड़ा विवादित दिख रहा है बस, बाकी जिसके साथ यच लगा होता है वो महाप्राण होती है। सीधे सीधे पकड़ेगा, अब एग्जाम में ऐसे ही पूछेगा, जब बजाएगा तो आपको ऐसे ही बजाएगा। इधर देगा तो उसको पता कि 1 3 5 आप रट किया है। जब भी पूछेगा नीचे की ध्वनियों को पूछता है, या वर्णमाला में वो कई प्रकार से प्रश्न पूछ सकता है, निम्नलिखित में से कौन सा दंतौष्ट व्यंजन, है ना, दंत ध्वनिया या फिर महाप्राण या अघोष, अघोष सब मिला तक एक में पूछ देता है। तो उस समय आपका चुनाव सिर्फ ऐसा होना चाहिए, पहले एक आप वर्ड को उठाएं, उसके देखेंगे कहाँ से बोला जा रहा है, अघोष अघोष महाप्राण अल्पप्राण जो भी है उससे बैठाते हुए आगे कितने में बैठेंगे तो आंसर आपको मिल जाएगा। प्रैक्टिस जैसे ही खत्म होता है मैं कराता हूँ आप लोग को एक भी, ठीक है। ऐसे से आप नीचे लिख लीजिए आप लोग, ये सब छोड़ने के बाद जिसके साथ ये लगा होता है, इधर सब छोड़ने के बाद ये अल्पप्राण होता है, तो आप 1 3 5 से आप लिखे होंगे, ठीक है। इस साइड देखेंगे जिसके साथ ये लगा वो दिक्कत क्या है महाप्राण है। 99% जिसके पास ये लगा है स को छोड़ने के बाद और च को छोड़ने के बाद, क्योंकि इसके साथ एच नहीं लगा, इसके साथ एच लग गया, ठीक है, वो क्या होता है महाप्राण होता है। सुन लीजिए, ठीक है। बता रहा हूँ।